हेलो गाइस, वेलकम टू बैक एम एच कोडर। कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर को कैसे चेक करना है। तो चेक आर्मस्ट्रांग नंबर, मेरा इनपुट क्या है, 153 है। इसको चेक करना है कि मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम 153 इक्वल 153 मतलब मैच करेंगे। ये अगर मैच हो जाएगा तो मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना int n इक्वल टू 153 और उसके बाद एक int वेरिएबल लेना रिमाइंडर के लिए और एक लेना है सम के लिए। मतलब जो हम रिमाइंडर निकलेगा उसको स्टोर कर लेना है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में। फिर हमको एक और वेरिएबल लेना int temp इक्वल टू n कर लेना, क्योंकि n का वैल्यू हमको temp में रखना है। किस लिए, क्योंकि कंडीशन को चेक करना है, मैच कराना है इसके लिए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना है, while लूप लगाना है। अब यहाँ पे चेक करना है क्या n 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू n परसेंट 10 हो जाएगा। मतलब n को डिवाइड कर मतलब भाग दे देंगे 10 से, तो मेरा जो रिमाइंडर निकलेगा उसको किसमें, r में रिमाइंडर में स्टोर कर लेगा। 10 से अगर 153 में हम भाग देते हैं तो क्या होता है, 15 बार में कट जाता है। 15 बार में कटने के बाद क्या, मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, 3। तो 3 को क्या कर लेंगे, रिमाइंडर में स्टोर कर लेंगे। रिमाइंडर में जब स्टोर हो जाएगा तो फिर क्या लिखना है नीचे में, रिमाइंडर को किस में स्टोर करना है, सम में। सम इक्वल टू सम प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या, रिमाइंडर का क्यूब कर देंगे, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। तो ये क्या करेगा, 3 का क्यूब होके उसके बाद सम में स्टोर कर लेगा। रिमाइंडर का क्यूब हम इस तरह लिख भी सकते हैं ना, क्योंकि रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं क्यू को, ये इस तरह लिख के फिर इसको सेमी कोलन से क्लोज कर देंगे। फिर तो यहाँ पे मेरा 3 तो रिमाइंडर हो गया। अब क्या करना है, 153 जो है उससे हमको 3 को क्या करना है, मतलब रिलीज करना, मतलब निकाल देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना है, n इक्वल टू n बाय 10 कर देंगे। इससे क्या करेगा, वो 3 जो लास्ट में डिजिट है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर क्या करना है, इफ कंडीशन में चेक कराना, टेम्प हम लिए थे, टेम्प में n रखे थे, n का स्टोर टेम्प में, तो टेम्प इक्वल टू सम कर लेंगे। अगर मेरा टेम्प इक्वल टू सम होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लेना, आर्मस्ट्रांग नंबर। यहाँ पे मैसेज क्या देना, आर्मस्ट्रांग नंबर कितना है मेरा, 153। मेरा डिजिट भी शो कर देंगे, अगर आर्मस्ट्रांग नंबर है तो 153 मेरा यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए, सम इक्वल टू। फिर ये लिखने के बाद क्या करना है, ये कंडीशन के बाद एल्स चलाना है। एल्स में भी क्या करना है, जब मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो इसमें क्या लिख देना, इसमें मैसेज लिखना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। उसके बाद मैसेज में क्या लेना देना, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, क्योंकि मेरा अगर फॉल्स होगा तभी तो ये इस वाले मतलब एल्स वाले पार्ट में आएगा। तो आर्मस्ट्रांग नंबर नोट कर देना है, उसके बाद क्या कर देना, प्लस सम कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी शो करना चाहिए मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा तो वो सेम, तो मेरा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो मेरा नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। तो अब इसको n परसेंट 10 है डिवाइड के 3 हो गया, 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 क्या हो जाएगा, यहाँ पे SM में 27 स्टोर हो जाएगा। तो मेरा फिर क्या करेगा, n बाई 10 जो है वो क्या कर देगा, 3 को रिलीज कर देगा। मेरा क्या बचेगा, सिर्फ 15। फिर 15 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 15 को 10 से डिवाइड करना, फिर यहाँ पे चेक भी करा लेना क्या 0 से 15 बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो फिर डिवाइड होगा, फिर 1 बार में मेरा क्या हो जाएगा, 15 कट जाएगा, मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5। तो 5 का क्यूब जब करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो मानी 125 हो जाएगा। तो फिर 125 प्लस 27 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा 152 हो जाएगा। 150 हो जाएगा, फिर मेरा जब 150 दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, 152, 25 इंटू 5, तो ये मेरा हो जाएगा 125। और 125 प्लस 27 यानी 152 यानी 152। तो मेरा सम में क्या हो जाएगा, 152 यानी 152 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 5 को मतलब रिमूव कर देना है, 5 को रिमूव कर देगा 1 हो जाएगा। 1 में अगर 10 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, तो मेरा वो सेम ही वैल्यू हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 152 होगा, यहाँ पे प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, 153 हो जाएगा यानी 153 हो जाएगा। तो मेरा सम में क्या हो गया, 153 हो गया। और 153 जब हो जाएगा मेरा सम में स्टोर, तो फिर क्या करें, कंडीशन चेक कर लेगा। तो चलते हैं आप Eclipse ID को ओपन करते हैं। Eclipse ID में क्या करना है, वो जो लॉजिक वहाँ पे बताए वहाँ पे वो लॉजिक यहाँ पे क्या करना है, टाइप कर देना है। तो वहाँ पे क्या लिखें, वाइल में क्या लिखें, अगर 0 से मेरा n बड़ा हो
तो मेरा ट्रू होगा। फिर क्या लिखे, नीचे में लिखे थे उसके बाद लाइन में रिमाइंडर इक्वल टू एन परसेंट टेन, फिर क्या लिखे थे सेम इक्वल टू सेम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर को तीन बार लिखे थे इसलिए क्योंकि रिमाइंडर का क्यूब होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या टाइप करना है, एन इक्वल टू एन बाई टेन कर देना है, मतलब कि हमको जो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो बचा उसको हमको क्या करना है, फिर रिलीज भी करना, मतलब निकालना भी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एन इक्वल टू एन बाई टेन कर देना है, सॉरी एन बाई टेन होगा यहाँ पे। इतना करने के बाद क्या करना है, नीचे में फिर कंडीशन चेक कर लेना है, इफ़ में क्या करना है टेम्प इक्वल इक्वल क्या कर लेना है सम कर लेना। तो वो क्या करेगा, मतलब अगर मेरा टेम्प में जो नंबर वैल्यू है 153 और सम में जो वैल्यू होगा मतलब कैलकुलेशन करके वो सम अगर इक्वल होगा तो मेरा क्या बताएगा, वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहाँ पर टाइप कर लेना है मैसेज के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो उसके बाद क्या करना है डबल कोट के अंदर मैसेज डाल देना और उस नंबर को भी क्या करना है शो कर देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लस सम कर देंगे जो कि मेरा वो नंबर भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा किस पार्ट में चल जाएगा, एल्स पार्ट में चल जाएगा। तो एल्स पार्ट में क्या करना है, सिर्फ मैसेज को प्रिंट करा देना, यहाँ पर तो कंडीशन लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो एल्स पार्ट वाला फॉल्स होता है तभी एल्स कैच करता है। तो यहाँ पे क्या कर देना, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, और ये भी यहाँ पे शो करना है कि मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर क्यों नहीं, नंबर यहाँ पे शो करा देंगे क्योंकि इक्वल होगा तभी होगा, अगर नहीं इक्वल होगा तो यहाँ पे शो कर देगा मेरा कि ये इक्वल नंबर नहीं है, जो मेरा नंबर उस मतलब नॉट इक्वल होगा तो यहाँ पे वो नंबर प्रिंट करा दे। तो क्या करना है, सेव करके रन कर लेना। रन करने के बाद देखो मेरा 153 जो आर्मस्ट्रांग नंबर है, और अगर हम यहाँ पे 153 के 154 कर देते हैं तो फिर इसको जब सेव करके रन करेंगे तो मेरा देखो क्या शो करेगा, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो वहाँ पे हमको क्या कर देना है, 153 ही करके सेव करके रन कर देना है, तो मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके लिए कोडिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।